हमारे यहाँ तो करते हैं, आपके यहाँ रिवाज कौन सा मुझे क्या पता, आप किस फिरके से ताल्लुक रखते हो? मैं फिरका कोई नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा कलमा एक है, मेरा नबी एक है, और जो कयामत और जो अल्लाह पे अल्लाह। हाँ देखो देखो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, फिरका अलग है और अल्लाह के नबी ने कहा था कि 73 फिरके हैं और 73 फिरके में से एक ही फिरका जाएगा, समझे? इतना जब पता है तो फिर आप किसी को क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानती, मेरी मर्जी है। तो आपकी मर्जी है, सही है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है। मैं आपको एक मोटी सी मिसाल दूंगा, आप अगर उस पे से समझो वरना अल्लाह आपका खैर करे। मुझे एक बात बताइए, अगर घर में का एक गिलास है, ठीक है, क्या पानी पीने का जो गिलास है घर में का एक है, घर में का एक पानी का गिलास है पीते हम जिस, ठीक है, और एक नाली में गिरा हुआ गिलास है, दो गिलास हो गए, एक नाली में का एक घर में का। अब उसमें से बारिश का पानी पी, बारिश का पानी पकड़िए तो कौन से गिलास से पीजिएगा, नाली के कि घर के? घर के। क्यों पियोगे घर के नाली, घर के गिलास में पानी? आप तो नाली के गिलास में भी पी सकते हो। वो आप पियो, आपको अच्छा लगता है तो। अब तो मेरी बहन, बोलने का मतलब आप में जब इतनी समझ है कि आप अच्छे बुरी की फर्क कर सकते, तो बोलने का मतलब वही था कि अल्लाह ने आपके हक में इख्तियार दिया है, आप अच्छे से जियो या गलत तरीके से जियो। जब आपको इतनी सोच है ना, कब्र में तीन सवाल वाजिब है, कोई भी फिरके वाले से। तो मैं अच्छी चीज को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बुरी चीज को, बुरी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसीलिए तो बहन इस्लाम में वही तो बताया गया है कि अच्छे तरीके से। नहीं, मैंने नहीं, आपको नहीं, क्या कहा है? अच्छी चीजें कहाँ बताई गई हैं इस्लाम में, तो सारी गंदी गंदी चीजें बताई गई हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको गलत समझ, आपको गलत पढ़ रही है, आप पागल हो मेरी बहन, आपने गलत पढ़ा होगा। मैं आपको नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, आपका ब्रेन वॉश हो चुका है, आप पागल हो गए हो इन मौलवियों के बयान सुन सुन के, समझ रहे हो? मेरी बहन, आपको अगर कोई बात, मेरे भैया, आप दुनिया में नहीं देख रहे कैसे मुस्लिम महिलाएं किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, नहीं देख रहे दुनिया में आप? अरे मेरी बहन, कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ, क्यों किसी की बात में आ रहा है? आपको अगर कहाँ हुआ, आपको अगर कैसे ऐसे बोल सकते हो कि क्या हुआ है? तीन तलाक हो रहा, हलाला हो रहा, मुता हो रहा, मिस्यार हो रहा, लड़कियों को बेची जा रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ गंदा काम किया जा रहा है, ये आपको सही लगे? मदरसे में क्या हो रहा है आपको समझ ही नहीं आ रही, आपको दिखाई नहीं दे रही है? ये बहन अगर मीडिया के चक्कर में पड़ोगी ना, मीडिया तो हम अभी लॉकडाउन में जो है सो कोरोना आया था, अरे जो मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ रही, मीडिया के चक्कर में नहीं पड़ रही, मैं सही बात कर रही हूँ, न्यूज तो न्यूज होती है, समझ रहे हो, न्यूज तो न्यूज ही होती है। मेरी बहन मेरी बात सुनोगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है? इंडिया में बाहर जमात की जब जमात आई थी तो वो कोरोना से पहले आई थी, अब उनको वीजा सरकार ने दिया, वो सरकार के थ्रू इंडिया में आई, ठीक है? अब जब कोरोना फैला तो एक धारा 144 लागू हुई, हमने तो 144 का पालन नहीं किया, मगर जो बाहर देश से आए वाले जो जहाँ है वहीं रुक जाए, रुक गए, और उन्होंने पुलिस को बताया अभी कि यहाँ पे लोग है, तो अब उसको कैसे बताया कोरोना आया तो जमात ने लाई, तबलीगी जमात ने लाई, मौलाना साहब को गुनाहगार ठहराया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये सब खेल है, मीडिया वाले अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, मीडिया वाले ये बता इसका रहे हैं मतलब है कि किसी का तीन तलाक नहीं हुआ, किसी का लाला नहीं हुआ। नहीं नहीं, आप बोलते जा रहे हो, मैं सुनती रहूं, ऐसे पागल नहीं हूं मैं कि आपको बोलने दूं, मैं कुछ सुनती रहूं, ऐसी पागल नहीं हूं, मेरी बात सुनो। तीन तलाक होता है लड़कियों का, सही है गलत है? सही है। लाला होता है, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। आपको अपनी कौम की लड़कियों की इज्जत लूटती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मीडिया दिखाई दे रहा है, इतना अंधा कैसे हो गए आप? आपको शर्म नहीं आती? अरे मेरी बहन, अरे मेरी बहन, नहीं हलाला सही है, ये बताओ हलाला सही है, ये बताओ। नहीं सिर्फ मेरे मैं आपकी हर बात मानूंगी, एक चीज बताओ मुझे, क्या हलाला सही है? मुझे बस इतना जवाब दो। देखिए अब तुम आप चुप बैठोगे तो मैं हलाले का मेन बता दूंगा आपको, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे सिर्फ सही है गलत है ये बताओ। आपके दिमाग में क्या एक छोटा सा मैं दूंगा, वो ना आप ये रहने दो, आप सिर्फ इतना बताओ कि हलाला सही है गलत है, बस इतना बता दो। मैं बता रहा हूँ ना, आप वो इसी के बारे में बता रहा हूँ, आप चुप बैठोगे तो बताऊंगा तो बता नहीं सकूंगा ना मैं। मुझे मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो, दूसरे की तरह ना मुझे ये मत बताना कि तीन तलाक का प्रोसेस होता है, तीन महीने में एक बार तलाक देते हैं, ये सब नहीं पूछ रही। मुझे ये बताओ हलाला सही है गलत है? मैं क्या बता रहा हूँ आपको। हेलो, बोलो बोलो। हेलो,
मैं अब आपको हलाली का बताता हूँ। चलो ठीक है, आपने तलाक का बोला ना, ठीक है मैं बता रहा हूँ। आप अगर नींद में हो या गुस्से में हो या नशे में हो, आप अगर बिजली के तार को पकड़ोगे तो क्या होगा? करंट मारेगी। मारेगी पक्का? आप नशे में हो, नींद में हो, मजाक में पकड़ी आपने, मारेगी नहीं मारेगी? बिल्कुल। तो उसी तरह अगर इंसान गुस्से में हो, नशे में हो, किसी भी तरह हो, तलाक अगर बोल दी तो हो गई, ठीक है। अब हलाले की बात बताता हूँ। उसने जानबूझ के दी, मजाक में दी, ये नहीं है उसका मतलब, ये नहीं है। अब जब हलाले की बात आती है ना मेरी बहन, तो मुझे बताओ, जिसको आपने मोहब्बत की, जिससे आपने शादी की, जिससे आपके बच्चे हैं, अब वो हलाला किसी और के, उसको एक रात के लिए, या वो लड़का उसको छोड़े या ना छोड़े, अभी कोई आपका आपका समझ लो हस्बैंड है, वो किसी और के साथ सो रहा है, तो आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो उसी तरह ये हलाला मतलब ये नहीं है कि एक दिन के एक रात के लिए भेज दिए। आगे वाला जब उसका किसी और के साथ निकाह होता है, अगर उसने छोड़ दिया तो उसको हलाला माना जाएगा। अगर वो ना छोड़े तो वो उसके निकाह में है, एक प्लॉट की एक ही रजिस्ट्री होती मेरी बहन, दो दो नहीं होती है। तो अगर आप मेरे को बताओ, हलाला को सही मानते हो? नहीं, आप सुनिए, मेरी बीवी होते हुए अगर मैं किसी और के साथ सोता हूँ तो वो मेरी बीवी को अच्छा लगेगा? तो हलाला किस लिए, हलाला की जो रस्म है वो किस लिए है ये बताओ? नहीं नहीं, ये अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, मुझे पता है आपको बुरा लगेगा, हर किसी को लगेगा, इसलिए मेरे मन में सवाल है कि हलाला सही है या गलत है, आप बताओ, आपके हिसाब से हलाला सही है गलत है? अरे जो अल्लाह के नबी ने बताया उसी तरीके से बता रहा हूँ ना, कि किसी की बीवी अगर किसी और के साथ सोएगी तो सबसे ज्यादा तकलीफ उस शोहर को होगी। ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है हलाला सही है कि गलत है। अरे हलाला सही है ना, अगर इतना ही सुनना चाहती हूँ। मुझे हलाला सही नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी बेटी को हलाला करवाते देखते हो, मोहल्ले भर के लोग थूकते हैं कि देखो इसका हलाला हुआ है, इसके हस्बैंड के होते हुए इसने गैर मर्द को अपना निकाह करके उसके साथ उसके सोहबत में गई, उसके साथ सेक्स किया, फिर दूसरे दिन तलाक लेके, वो लड़की एक वेश्या से ज्यादा क्या हो सकती है जिसके साथ ये हुआ है? अरे मेरी बहन, तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, किसी को पसंद नहीं आएगा ये सब चीज़। और अल्लाह ऐसे ऐसे लोगों के किसका है ये हुक्म? मेरी बहन, पहले ये हुक्म किसका है कुरान में? ये हुक्म किसका है? ये हुक्म है अल्लाह का। कोई खुदा हलाला की हुक्म दे सकता है? शर्म आती है आपको? अरे मेरी बहन, आपको शर्म आ रही है? अरे मेरी बहन, अरे बहन बोल के ना इस चीज को आप टाली नहीं, ये शर्म आ रही है आपको? हलाला को सही बोल रहे हो? बात सुनने की सिफत होगी तो बात समझ में आएगी, नहीं तो वरना आपको जो सीखने से कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। आपको जिसने बनाया है ना उसके हिसाब से आप बोल रहे हो। मुझे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को ना पसंद, अपनी अम्मी का, अपने पूरे खानदान का हलाला करा, हमें नहीं पसंद, ठीक है? आप बोले ना अच्छा चीज है, वही तो बता जा, मुझे कोई नहीं है। अरे वही तो, अरे मेरी बहन वही बता रहा हूँ कि अल्लाह को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो तलाक देते हैं, ठीक है? तो हलाला क्यों रखा गया है? अल्लाह ही नहीं तो कहा ना हलाला के लिए। मेरे को बताओ, अच्छा ठीक है आप बोल रहे हो ना, तो फिर हिंदुओं में उनकी माओं को लेके उनके बहन क्यों सब, तो राम को सिर्फ मेरे 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 मुंह में बताओ मुझे, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो मैं किसी, मैं किसी मेरे को बताओ पेट में दुकान गोली क्यों खाते हो? मेरे को बताओ पेट में दुकान गोली क्यों खाते हो? इस बात को लेके बहुत सारे उलमाओं से चर्चा की, बहुत सारे उलमाओं से मैंने मुनाजरा किया इस ताल्लुक से, लेकिन मेरी बात सुनो, अभी बोल रहे आप दब से बोल रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी बात सुनो। मैंने हलाला को लेके बहुत सारे लोगों से मुनाजरा करा, जो आलिम है, जो उलमा है, उन सब से, सब के सब इस चीज पे छोड़ के बोलते कि फलाना मजहब में क्या है, फलाना मजहब में देखो। अरे वो मजहब के लोग कुएं में कूद रहे हैं तो हम लोग भी कूदें क्या? हलाला जो है वो एक गलत चीज़ है, सुन लो पहले, हलाला जो है वो गलत चीज़ है, उससे एक महिला की आबरू छिन जाती है। अगर उसे कोई खुदा कहता है कि हलाला जो है वो जायज़ है, उसको कराना ज़रूरी है, तो फिर वो तो खुदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी खुदा इस तरह से गंदी बातें नहीं कर सकता। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि हलाला बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको जो बोला वो आपके समझ में बैठी नहीं, कि अगर किसी की बीवी उसके बाद वो लड़की कहीं और निकाह करती है, फिर वो आगे वाला शख्स उसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, इसके ऊपर डिपेंड है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एक एक प्लॉट की रजिस्ट्री एक ही के नाम पे होगी, यानी कि एक लड़की के निकाह में नहीं रही।
अच्छा मैं क्लियर कर दूं, मैं आपको बार बार वही समझा रहा हूं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपको बार बार, अरे भैया मेरी बात सुनोगे? हेलो 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 हेलो, मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनोगे? मान लो एक क्रिश्चियन लड़की से शादी करता है, ठीक है, अब वो उसको तलाक देता है। अब उस लड़की का और लड़के का आपस में मन करता है कि वापस से हम लोग से गलती हो गई, हम लोग शादी कर लें, तो आपस में वापस से शादी कर लेते हैं, ठीक है, उनके बीच का जो कन्फ्यूज़न था वो ख़त्म हो गया। वैसे ही एक जैन लड़का और एक जैन लड़की दोनों आपस में शादी किए, उनको आपस में पसंद नहीं आया, उन लोगों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने गलत किया है। आवाज़ आ रही है? हेलो, आ रही है? बोलिए। हाँ, तो उनको रियलाइज़ होता है कि उन्हें गलत किया, वो आपस में शादी कर लेते हैं, फिर से वो लोग मिल जाते हैं, ठीक है। तो ईसाइयों के मामले में, जैनों के मामले में, बौद्धों के मामले में, हिंदुओं और सिखों के मामले में, उनकी उनकी बहू बेटियों की इज्जत तार तार नहीं होती, क्योंकि वो शादी करके वापस से, अगर तलाक लेने के बाद वापस से एक साथ शादी मिल सकते हैं, उनको अपने जो उन्होंने छोड़ा उसका उनको वो तकलीफ़ का पता चल गया, हाँ भाई हमने गलत किया है, तो वापस से वो रिलाज हुआ। इसमें ना लड़के की इज्जत गई ना लड़की की इज्जत गई। अब आते हैं दीन इस्लाम में। दीन इस्लाम में अगर कोई शौहर अपनी वाइफ को तलाक देता है, अपने शरीक हयात को अलग कर देता है अपने रिश्ते से, तो अगर उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ शादी करनी है वापस से, और लड़की भी राज़ी है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि लड़की की शादी नहीं हुई है किसी और से, जैसे कि दूसरे मज़हब में कंडीशन थी कि वहाँ भी लड़की कहीं और शादी नहीं हुई थी, तो उस लड़की को वापस से अपने शौहर के पास जाने के लिए हलाला करना बहुत ज़रूरी है। बगैर हलाला के वो उस लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो ये एक रूल बनाया है हमारे शरीयत ने, और शरीयत बना है कुरान से। कुरान में अल्लाह पाक ने कहा है कि हलाला बहुत ज़रूरी है, और हलाला कैसी है इसकी ताशीर हदीस बयान करती है कि एक महिला ने हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम से, सॉरी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि ये जो हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसका मामला है कि उसके पति ने उसको तलाक दे दिया है, और जो उसने दूसरी शादी की है, तो उस वो जो दूसरी शादी की जिस लड़के से, उसने उसके साथ बिना रिश्ते बनाए, शारीरिक रिश्ते बनाए, हमबिस्तरी के बिना उसे तलाक दे दिया है, तो क्या ये जायज़ है? तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे ये पूछा, नबी पाक से पूछा, तो नबी पाक ने कहा कि जब तक के वो लड़का उस लड़की के साथ हमबिस्तरी नहीं कर लेता, और एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध नहीं बना लेते, जब तक कि वो पहले लड़के के लिए जायज़ नहीं होगा। तो ये है इस्लाम में ये चीज़, इतनी गंदी और घटिया चीज़ है कि एक लड़की अगर, सुन लो मेरी बात, अगर एक लड़की अपने पति को छोड़ देती है, लड़की क्या छोड़ेगी, पति छोड़ता है, एक पति अपनी पत्नी को छोड़ देती है और वापस से लेना चाहती है, तो उस लड़की की इज्जत लूटी जाती है, उसको वेश्या बना दिया जाता है कि वो किसी और लड़की के साथ तब तक के संभोग नहीं करेगी, सेक्स नहीं करेगी जब तक कि वो उसके पहले पति के साथ नहीं आ सकती। तो ये क्या उसको वेश्या बनाने की कोई तरीका नहीं है? ये इसे क्या वेश्या बनाने का तरीका नहीं कह सकते? चलो ठीक है, मैंने आपकी सुनी, आपने सही बात बताई कि जब उसने शारीरिक संबंध नहीं किया तो हलाला नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको हार्ट अटैक आया तो आप बाईपास सर्जरी क्यों कराते हो, ठीक है। एक पॉइंट, मेरा पॉइंट सुन लीजिए आप, और हलाले की बात, जब वो लड़की किसी और से शादी करती है तो वो लड़का उसको छोड़े या ना छोड़े ये वो लड़के की मर्जी है, उसको अगर जिंदगी भर निभाना चाहता है उस लड़की को तो वो निभा सकता है, लड़की चाह के भी उसके निकाह से नहीं निकल सकती, एक बात। और जो शर्त के तौर पे हलाला करते हैं ना, वो हराम है, वो अल्लाह ने सजा, वो हराम है, जो शर्त पे के मैं एक दिन के वास्ते आ जा फिर उसके बाद तलाक ले ले, ये हराम है। असल मायने में अगर वो लड़का वो लड़की से शादी के बाद अगर उसका रिश्ता नहीं बन पाता है, वो झगड़े करते हैं, वो मारम पीटी, वो गाली गलौज, वो ऐसे कुछ होता है, तो तब जाके आप उससे तलाक ले सकते हो। ये कोई गुडिया गुडी का खेल नहीं है कि इसके साथ शादी कर दी, उसके साथ शादी करना है तो डबल आके कर रही है। पहली बात तो अल्लाह ने सख्त मना किया है तलाक से, अल्लाह ऐसे लोगों पे लानत भेजता है, अल्लाह ऐसे लोगों से नाराज होता है जो तलाक देते हैं। तो ये हलाला जो है ना, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि एक दिन का कर लिया और आ गए, भाई आगे वाला आपको छोड़ता है, क्या पता इस लड़की का बिजनेस उस बंदे से लग जाए जिससे उसने दूसरा निकाह किया है, वो अच्छा निकल गया तो कौन छोड़ेगा, किसने बोला छोड़ने को, ना उस लड़के को बोला जाएगा ना इस लड़की को बोला जाएगा, अगर ये एक दूसरे के साथ अगर वो जिस, हाँ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका आपको आपके शौहर ने तलाक दे दिया, आपका किसी और से निकाह हो गया, सुन लीजिए,
अगर आपको वो जो सेकंड निकाह आपने किया है उस लड़के को आपसे मोहब्बत होगी और आपको उससे मोहब्बत होगी तो आप क्या पहले वाले के वास्ते उसको छोड़ दोगे? नहीं ना। तो यही है कि अगर हार्ट आया तो बाईपास जरूरी है, अगर आपका ऑपरेशन करना है, आपके लीवर खराब है, आपको किडनी चाहिए तो ट्रांसफर करना जरूरी है, तो उसी तरीके से हलाले का होना जरूरी है। बट उसके भी कंडीशन है, ऐसे नहीं है ऊपर ऊपर, उसके भी ऊपर ऊपर नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुनो, उसके भी कंडीशन। हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या पूछी, आपने क्या जवाब दिया? मैं पूछी कि जो लड़की है उसने दूसरा शादी नहीं किया है, लड़के ने उसको निकाह से अलग कर दिया, यानी कि उससे तलाक दे दिया है, तो जो कंडीशन होती है वो हदीस वाली। सुन लो पहले, सुनो पहले मेरी बात, सुनो मेरी बात, आपके बीच में बोली थी उस लड़की ने निकाह नहीं, आपके बीच में बोली थी क्या? अब उस लड़की को हलाला कराना नहीं है ना, आपके बीच में बोली उस लड़की को हलाला कराना। पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये ना ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ना, ये जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो ना कि ये हलाला जो है ये ऐसा है वैसा, मैं बताती हूँ, मैं उसके असली पोल खोल रही हूँ आपको, मैंने देखी दुनिया कैसे होती है हलाला, मेरी बात सुनो। और वो जो होती है ना वो शरीयत के हिसाब से होती है, आपके हिसाब से नहीं होती। हलाला करने वाले ना, सुनो हलाला करने वाले ना वो मौलवी होते हैं, उलेमा होते हैं, उनको उसका इल्म होता है कि क्या होता है हलाला, समझे ना? मैं बताती हूँ, सुनो, अगर कोई लड़की अपने पति से छूट जाती है, उसने दूसरी शादी नहीं की होती, समझ रहे हो? हाँ तो उस लड़की को जरूरत नहीं है, उस लड़की को जब हलाला करने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। सुनो मेरी बात सुनो, वो किसी और से निकाह कर ले, पहले वाले को छोड़ दे, मेरी बात सुनो। अगर वो अगर उसके उसको पहला पति उसको छोड़ देता है और वो वापस से अपनी उसी पति के पास जाना चाहती है वापस से, और वो लड़का भी उसको अपनाना चाहता है, तो उसमें आता है कि उनको हलाला करना पड़ेगा। और ये कहाँ पर है? ये कुरान में है, ये कुरान में आयत है, कुरान में ये आयत है कि अल्लाह ने कहा है कि अगर सुन लो मेरी बात, बीच में बोलते बहुत हो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, सुनोगे सुनोगे नहीं सुन सकते, क्या हुआ? नहीं सुन क्यों नहीं सकते हो? तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है, नहीं सुन सकते अपना इस्लाम? सुनो, मुंह बंद करो और सुनो मेरी बात, समझ रहे हो? सुनो, कुरान की आयत क्या कहती है? कुरान की आयत कहती है कि जब कोई खाविंद अपने वाइफ को तलाक दे देता है और वापस से वो उसके साथ आना चाहता है, तो बगैर वो किसी और मर्द से तलाक निकाह के बिना उस पहले पति के पास नहीं आ सकती, जब तक कि वो उसके दूसरे पति से वो निकाह करके उसको तलाक नहीं दे देती। तो ये है हलाला। हाँ ठीक है, अब मैं बताऊँ, अगर उस लड़की ने किसी से निकाह नहीं किया, उसको उसका शौहर चाहिए, ठीक है, उसको शौहर, उसके शौहर को ये चाहिए, तो वो शर्त है कि उसको करना पड़ेगा, अगर नहीं तो फिर उस लड़की को गरज नहीं है, तो उसके पहले शौहर की होती है और निकाह करके अपनी जिंदगी गुजार सकती है। तो मैं उसी चीज की तो बात कर रही हूं, मैं क्या बता रहा हूँ, उस लड़की को अथॉरिटी है, उस लड़की के पास पावर है कि वो उसके पास ना जाके किसी और के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सकती है। तो मैं उसी की तो बात कर रही हूँ, उसी हलाले की, मैं उसी हलाले की बात कर रही हूँ जिसमें पति और पत्नी वापस में अपनी गलती को भूल के वापस आ जाते हैं। सुनो, 100 में से 99% जो लड़के लड़कियां होती है ना शादीशुदा, उनके बीच ना जो आपस में वो हो जाती है, मतलब भेद हो जाता है, तो वो जो है ना वापस में मिलना चाहते हैं 99% लोग। और इस स्थिति में उन लोगों का हलाला होना जायज़ हो जाता है। ये कौन सा तरीका आप लोगों ने निकाला है लड़कियों को वेश्या बनाने का, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, आपकी अम्मी को आपके अबू ने छोड़ दिया क्या? नहीं ना, आपकी अम्मी को आपके अबू ने छोड़ा क्या, तलाक दिए? नहीं दी, मेरे अबू ने भी नहीं दी, मैंने भी नहीं दिया, अभी किसी और का भी नहीं दिया। ये 100 में से 1 मैं आपको गिनाऊं? उस लड़की के बयान सुनाती हूँ, वीडियो क्लिप्स देती हूँ, वो लड़की चीख चीख के कैसे लोगों को बता रही कि उसके साथ क्या हुआ, उसके देवर ने हलाला किया, उसके ससुर ने हलाला किया, पूरे खानदान ने हलाला किया, फिर उसके जो मौलवी उसने हलाला किया। अरे मेरी बहन,
इस्लाम पे जब तक के लोग कीचड़ नहीं उछालेंगे ना उनका पेट नहीं भरेगा। अरे तो मुस्लिम महिलाएं ही मुस्लिम महिलाएं इस्लाम पे क्यों उछालेंगी बता मुझे। मैं क्या बता रहा हूँ, मुस्लिम महिलाएं ही क्यों इस्लाम पे कीचड़ उछालेंगी? क्या उनको शौक हो रहा है अपना हलाला करवाने का? तुम्हें शर्म भी नहीं है ये बोल रहे? एक मिनट, जब कानून में अपने धर्म का पालन करना अपने को कानून ने अथॉरिटी दी है तो ये इनकी माँ